हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं बारिश के मजे लेने के लिए। फाइनली आज बारिश हो गई है सुबह सुबह। हाँ, और देखो जीनू भी है। जीनू आ चुके नीचे नहा धो के, फैन बंद कर देती हूँ। मजा आ गया भाई आज नहा के। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी तक हो रही है, कंटिन्यू चल ही रही है ये बाहर बारिश। मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का नज़ारा, और बहुत तेज हो रही है। मजा आ गया आज तक सच में। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कंटिन्यू होती रहे ना थोड़ी देर तो मौसम भी बहुत बेटर हो जाएगा। अभी तो खैर उमस हो गई थोड़ी अंदर, ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे गर्मी सी लगने लग गई है। और ठीक है, हस्बैंड अभी रुके हुए हैं, निकल नहीं पाए हैं बारिश की वजह से, बाहर बैठे हैं। मीटिंग चल रही है उनकी बाहर ही, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और ये ऑफिस के लिए निकल ही नहीं पाए। 9 बजे तक बैठ रहे आराम से, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो देखते कब बंद होती है और कब ये लोग निकलते हैं। और बस मैं लग जाती हूँ अपने काम में भी। देखो सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, बस मैंने चादर वादर सब फोल्ड कर दी थी, नाश्ता सब कुछ हो चुका है, खाना भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस मुझे क्लीनिंग करनी है, साफ़ सफाई, तो वो कर लेती हूँ। वैसे ना बारिश जब होती है तो मन नहीं करता काम करने का, मन करता है बस यार। अब मैं चाय वाय पीऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि पहली बारिश है ना, तो कि जुकाम वुकाम ना हो जाए मुझे। और जीनू को भी थोड़ी सी पिला दूँगी, माने नहीं जीनू तो बहुत इन्जॉय किया जीनू ने। और जीनू आया, आई थिंक पहली बार ही नहाई है बारिश में, वो अभी तक बारिश में नहाई नहीं है कभी। तो उसने, वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी यार, पीछे ही पड़ गई थी, ऊपर से आई नहीं रही थी। बट मैं जबरदस्ती उसको लेके आई, फिर हम दोनों नहाए हैं। नहाने के बाद फिर वो चली गई नीचे दादी के पास, और बस मैं काम से फ्री हो जाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। और हाँ यार, रील देखना ना भूलें, मैंने बहुत अच्छी रील बनाई थी ऊपर बारिश में, तो रील देखना ना भूलें। ज्योति शुक्ला नाम से मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आईडी है, तो बस इन्जॉय करिए जाके, और वहाँ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो। बाकी चलिए, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो अगर वीडियो आप लोग देखते हैं, मतलब ब्लॉग वगैरह, तो लाइक कर दिया करो मेरे ब्लॉग को। चलो काम पर लग जाते हैं। ओ भाई देखो कितना सारा पानी भर गया, हस्बैंड निकल के गए अभी। तो यार मैं लग चुकी हूँ फटाफट से किचन में, अब रोटी सेक दिया लंच के लिए, और मैंने कहा पहले किचन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करती हूँ बाहर। तो बस वही बर्तन वर्तन करने के लिए लग गई मैं, गैस तो मैंने पहुँच दी है। और यार मेरे को याद भी नहीं था कि आज गुरुवार है, तो सिर नहीं धोती, मतलब बारिश में चुन्नी वुन्नी रख लेती सिर पे, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल भी। चुन्नी से भी खैर भीग ही जाता, वो तो पॉलीथीन वगैरह लगाती फिर भी थोड़ा बहुत तो भीग ही जाता, तो खैर वो तो चलता है, मैंने जानबूझ के तो धोया नहीं, बट ये है कि बारिश में भीग गया। और थर्सडे का तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था, दिमाग से निकल गया था। तो बस मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ झाड़ू पोंछे में, किचन की ऊपर का काउंटर तो पूरा क्लीन हो गया, बस नीचे का भी पोंछा रह गया। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना बारिश में। मैंने, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब बारिश का मौसम होता है ना, तो घर में अंधेरा अंधेरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ काम ही मत करो, बस बैठे रहो, तो अजीब सा ही मौसम हो जाता है एकदम, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट यार गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब मेरे को तो बहुत लग रही थी, हो ही रही थी एकदम, उमस सी हो गई थी ना पूरे उसमें, तो इस कुर्ती में मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, बार बार पसीने ही टपके जा रहे थे। और अभी हो गया शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ चाय, और सोच तो रही हूँ यार मैं कि इसको ना चेंज ही कर लूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि खाना पीना बनाने में तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी इसे पहन के। चीटियाँ सी काट रही थी, बताने क्या है इसमें, एक तो हल्का सा वैसा कपड़ा है, बट मैंने सोचा यार आज पहन लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने पहना नहीं है, तो पुरानी ऐसी कुर्ती निकालो ना तो अच्छा लगता है पहनने में, तो मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ, मौसम सही लग रहा है, बट कोई फ़ायदा नहीं है इसे पहनने का। और मैंने चाय बना ली है, पापा ऑफिस जा नहीं पाए आज, पापा हैं घर पे ही, तो पापा जी के लिए बना ली, मम्मी के लिए भी ले जा रही हूँ मैं नीचे। थोड़ी चाय ली थी मम्मी ने पापा ने, क्योंकि मम्मी के पेट में गैस सी हो गई, प्रॉब्लम हो गई आज थोड़ा सा, तो इसलिए चाय ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी ली उन्होंने, बाद में नीचे भी निकाल दी उन्होंने एक्स्ट्रा चाय, तो फिर वो मैंने पी ली है। मैंने पी कहाँ यार, अभी देखो सामने गिलास में रखी हुई है, अभी मैं पीऊँगी चाय। पापा एक्चुअली ले आए थे डेयरी से कॉर्न ले आए थे,
तो पापा को बड़े अच्छे लगते हैं कॉर्न चाट बना के खाओ, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले बनने के लिए रख देती हूँ, ये बॉईल होते रहेंगे इतने में चाय वाय पी लूँगी। और जीनू को भी अच्छे लगते हैं, बट थोड़े ही उबाल रही हूँ मैं, तो आधे मैंने रख दिए हैं फ्रिज में, क्योंकि बाद में कहीं मन करेगा ना पापा को तो फिर उबाल के दे दूँगी, तो सारे नहीं करे मैं, थोड़े ही कर रही हूँ, जीनू और पापा ही हैं बस। यार शाम का टाइम हो चुका है, चाय वाय पी के तो फ्री हो गए, और मैंने कर लिया कुर्ती चेंज। आज मैंने तीसरी बार कपड़े चेंज किए हैं। हाँ, मॉर्निंग में जब मैं नहाई थी, नहा के मैंने येलो पहनी थी, फिर मैं बारिश में भीगी, फिर बारिश में भीगने के बाद मैंने चेंज करी है। बट एक्चुअली क्या है ना, मुझे उसमें गर्मी लग रही थी उस वाली कुर्ती में, क्योंकि उसका कपड़ा ना थोड़ा सा मोटा है, और मैंने पहन इसलिए ली थी क्योंकि मुझे लगा आज मौसम सही है तो इतनी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट गर्मी लग रही थी यार आज भी, मतलब उसे पहन के तो लग रही थी गर्मी, तो मैंने कहा फिर इसको चेंज कर लूँ, क्योंकि खाना पीना बनाऊंगी तो और दिक्कत होगी मेरे को। काट सा रहा था कुर्ता, अजीब सा लग रहा था, और ये बहुत लूज़ कुर्ती है, तो मैंने फिर यही डाल दी फिलहाल। लूज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, कम्फर्टेबल लगती हैं, तो इसलिए मैंने कहा खाना पीना बनाऊंगी तो ये डाल लेती हूँ, तो बस यही लगा पड़ा है। और कपड़े रख रही थी मैं, आज के कपड़े तो सूखे नहीं हैं, अभी गीले ही हैं, कल वाले कपड़े कुछ थे जो मैंने रख नहीं पाए थे, तो मैं उन्हें ही फोल्ड करके रख रही थी। और आज तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, खैर हो सकता है यार कल भी बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम अभी तक खुला नहीं है, और मोस्टली हर जगह बारिश जो है हो चुकी है, तो मौसम में चेंज तो आया है, ऐसी बात नहीं, पहले से काफ़ी फर्क पड़ा है, ठंडा सा मौसम हो गया, बट उतना ठंडा नहीं है अभी भी, गर्मी अभी भी लग रही है। मैं दिखाती हूँ, देखो अंधेरा अंधेरा हो रहा है अभी से ही, लाइट जला देते अभी, हो रहा है 6:30 बज चुके हैं, जा रही हूँ आज मूंग की दाल। मम्मी के पेट में जो है फिर से गैस बन चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ मूंग की दाल ही रख देती हूँ। बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, खड़े खड़े से बारिश में भीगने के बाद ना अजीब से बाल हो गए, कोई नहीं, कल तो सिर धोना ही है, कल है फ्राइडे तो कल सही हो जाएंगे। और मैं चढ़ा देती हूँ फटाफट से दाल, पापा घर पे ही है तो टाइम से खाना पीना कर लेते हैं, हस्बैंड हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, तो बाकी तैयारी कर लेती हूँ मैं सब। क्या कर रहे हो जीनू? हेल्प। कैमरा गंदा हो रहा है, उसको साफ कर लो। क्या हेल्प कर रहे हो उसकी? ये उसकी आईज में क्या कर रहे हो? ठीक करती हूँ, ब्लैक ब्लैक कर रहे हो। तो ब्लैक तो है ही उसकी आईज। नहीं, मैं पिंक पिंक कर दी उसकी, देखो उसकी पिंक है, पैर की पिंक, पैर है इसकी पिंक। अच्छा, आईज भी मैचिंग की होनी चाहिए फिर, है फिर अपनी वाइट कर लो आईज। आपने वाइट टी शर्ट पहनी है ना, अपनी वाइट कर लेना, ठीक है? इतने नहीं हो दादी, बिल्कुल से नहीं हो दादी। और ये क्या सामान लेके बैठे हो? मैं ख्याल कर रही थी कि वो हेल्प नहीं हो रही। हेल्प नहीं हो रही, होली थी इसकी लाइन लाइन करने के। बेटू पढ़ाई भी कर लिया करो कभी कभी कभी, पढ़ाई कर ली थी। कहाँ करते हो? कर ली थी। कर लेते हो? क्या पढ़ाई क्यों बोला बोले कर ले ना कौन मेरे को तो हंसी आ रही है आपको देख के। आप डर रहे हो? नहीं मैं हंस रहा हूँ, डर क्यों, डर नहीं रहा मैं, हंस लूँ? मैं भूत ही तो हूँ, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। देखो क्या खेल बनाती है, ड्रॉअर में सारा सामान फैला दिया इसने, अपने आप करती रहती है कड़म बकड़म। मैं सेक लेती हूँ रोटी, मेरी बिंदी कहाँ गई? मैं बिंदी भी कई बार लगा चुकी हूँ, आज अपने आप छूटे जा रही आज, देखना दोबारा से छूट गई, पसीना पहुंचती हूँ बिंदी भी छूट जाती है उसके साथ। बताओ जीनू निकाल के देगी बिंदी, बिंदी के बिना चेहरा हुआ तो अजीब अजीब से लगता है, क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ ना, तो जब छुटाती हूँ ना तो बड़ा बेकार सा लगता है, इसलिए मैं हमेशा लगा के रखती हूँ बिंदी, मुझे पसंद भी बिंदी लगाना। देखो जीनू को सब पता है कहाँ बिंदी होती है अम्मा की, जीनू बहुत समझदार लड़की है।
थोड़ा नीचे लगो, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, मेरी जान है मेरी जान। चलो भैया हम सेक लेते हैं रोटी, बिंदी को थोड़ा सा करते नीचे। जीनू किसका बेटा बता दो, यह मेरा पापा का बेटा बोलती है मुझे चिढ़ाने के लिए। मम्मी का, मम्मी आई भूत बन गई मम्मा, सच में भूत। अरे पिटाई मत लगाओ मेरे को, पिटाई मत लगाओ मेरे को, पिटाई मत लगाओ, मैं तुमको खा जाऊंगा। देखो यार सब रेडी हो चुके हैं। अरे नहीं भैया पिटाई लगा रही, देखो आई, आलू रेडी है, दाल रेडी है मूंग की। तो खाना तो रेडी हो गया है, थाली लग चुकी है और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ नीचे देने के लिए पापा जी को, और भोग भी लग जाएगा। हस्बैंड एक्चुअली है नहीं, हस्बैंड अभी ऑफिस से ही नहीं आए हैं, थोड़ा सा लेट आएंगे तो फिर इसलिए मैं देने जा रही हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है वो दे के आ जाते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, खाना आके रेडी हो गया, दाल रोटी। और चलिए यार ब्लॉग का एंड भी आज यहीं पर करते हैं, आपसे मिलती हूँ मैं कल। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके बाय, टेक केयर।